दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में WTC का फाइनल मैच खेला जा रहा है और ये मैच ओवल के लंदन में खेला जा रहा है। इसी बीच दोस्तों, जब भारतीय टीम फील्डिंग में उतरी तो उनके हाथों में काली पट्टी बंधी दिखी, यानी कि दोस्तों जो ओडिशा ट्रेन हादसे में जो लोग मारे गए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय टीम ने अपने हाथों में काली पट्टी बांधी। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया टीम ने भी भारतीय टीम का पूरा साथ दिया, उसने भी अपने हाथों में काली पट्टी बांधी। यहाँ तक कि दोस्तों अंपायर ने भी अपने हाथ में काली पट्टी बांधी और जो लोग ट्रेन हादसे में मारे गए उनको श्रद्धांजलि दी। लेकिन चलिए बात करते हैं कि आज के पहले दिन में क्या क्या हुआ। कप्तान रोहित शर्मा ने पहले टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। पहले बैटिंग करने आए ऑस्ट्रेलियन ओपनर डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा, लेकिन ख्वाजा को सिर्फ 10 बॉल खिलाकर मोहम्मद सिराज ने पवेलियन भेज दिया और भारत को WTC फाइनल के पहली विकेट दिलाई। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए लबूसन और वार्नर के बीच भी कुछ अच्छी पार्टनरशिप बनी नहीं और मोहम्मद शमी ने लबूसन को 26 रन पे आउट कर दिए। ऐसे में पहले सेशन में ऑस्ट्रेलिया ने 73 रन बनाए और 2 विकेट गंवाए। दूसरे सेशन में आए स्टीव स्मिथ और वार्नर के बीच थोड़ी पार्टनरशिप बनती, लेकिन डेविड वार्नर विकेट कीपर के हाथ अपना कैच दे बैठे। फिर आए ट्रेविस हेड और इस तरह से आके भारतीय बॉलर की धुलाई की जैसे 10 दिन का भूखा आदमी खाने पे टूट पड़े। और हेड और स्मिथ के अच्छे बल्लेबाजी के कारण ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे सेशन के लिए 170 रन बनाए और 3 विकेट गंवा दिए, यानी कि तीसरे सेशन में भारत को एक भी विकेट नहीं मिली। और ट्रेविस हेड ने अपना शतक जड़ दिया और स्मिथ के साथ मिलकर अपनी अच्छी साझेदारी बनाई। दोनों ने 251 रन की साझेदारी की, जिसमें स्मिथ ने 95 नॉट आउट और हेड ने 146 रन की शानदार पारी खेली। तीसरे सेशन में ऑस्ट्रेलिया ने 327 रन बनाए और 3 विकेट गंवाए। पहला दिन तो मानो ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा, जिसमें स्मिथ 95 नॉट आउट और हेड 146 नॉट आउट। अब देखना होगा दोस्तों कल का दिन किसके नाम रहेगा। क्या भारतीय बॉलर कल का दिन अपने नाम करेंगे? क्या स्मिथ अपनी शतक की पारी खेल पाएंगे?